Look at my hair. Ooh. Mama's hair. Ooh, it's beautiful. मेरे बाल बहुत खूबसूरत है पर काश मैं आप लोगों को दिखा सकती मगर नहीं सकती है पर क्योंकि मैंने जन्नत में दिखाने हैं फिर अपने बाल तो इसलिए मैं किसको जन्नत की मैं दिखाऊंगी Please subscribe and click the bell to get notification. जन्नत में बस जन्नतियों को दिखाऊंगी अगर अल्लाह ने जन्नत दे दी तो जन्नत में दिखाऊंगी फिर अपने बालों के लश्कारे मारूंगी क्योंकि वहां पर्दा शर्दा नहीं होगा ना Are you excited about basically I talked to Maria and Maria said Mama's very worried that she's going with you to Dubai. Yeah. I was like, why? She said, because she thinks that you're gonna fight and you'll leave that place. No, I didn't say you're gonna fight. I say she gets angry with people so quickly and there is 30-40 people. So if someone says something, she's not gonna control it and then it's I've gonna been be okay on holidays. No, you're not okay. On holidays, I'm always okay. Let's see. Have I said anything to you in Dubai when we went last time? You were sleeping. Yeah, I was sleeping. There you go. I didn't say anything. Mm. How are you going to say something? You were sleeping. Well, Malia thinks because there's going to be 40 people, that's why me and Mama are not going to, you know. I never fight with you, Nafia. Just I fight with you because of Iqbal. Like someone left a message on my YouTube channel. You should be nice to your daughter and you should look after your daughter instead of posting contents. What? I say what? Huh? I say I don't believe any mother gonna be as nice as me. Look, Alhamdulillah. Let me tell you guys something. Prepare to drive to the right. To learn a few things. Yeah. I have to learn that I need to control my anger a little bit. Yeah. And I gotta understand that whatever's happening in my life, it happens with everyone. Yeah. The other thing that I gotta understand is I need to stop sharing shit on the internet. No, share it, but share true, innit? No, when you are ghusal just galat cheeze share kar leti hai. It isn't not the truth. It's like an angry version of the truth. Like, तो वो थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दो क्या हुआ था नाफिया का इकबाल के साथ थोड़ी सी ऐसी वो कहते हैं ना पंजाबियों वाली बात गूंज ऐसी बात पे आर्गुमेंट हो गया मैं भी वहां मौजूद थी छोटी सी आर्गुमेंट हो गई ये खफा हो गई जाके खफा होके ये इसकी बेवकूफी पे मुझे बहुत गुस्सा भी आया लेकिन इकबाल का कोई फॉल्ट नहीं था मैं बार बार कहूंगी कि इकबाल का कोई फॉल्ट नहीं था जब इकबाल का फॉल्ट होता है मैं इकबाल को कहती हूँ खबरदार मैं अपनी बेटी के ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी लेकिन इकबाल का कोई फॉल्ट नहीं था और इकबाल उस वक्त बिल्कुल नाजायज पे ये लड़ रही थी ये स्ट्रेस थी किसी और बातों की वजह से सारा उसके बेचारे के ऊपर निकाल दिया ये चली गई घर से चली गई निकल गई और इंस्टाग्राम पे बैठ गई और इंस्टाग्राम पे अपने खावन के खिलाफ ओल फोल बकने लगी लेकिन ओल फोल जब ये बकती है तो मुझे ब्लॉक कर देती है ताकि मेरी माँ को पता ना चले मुझे मैसेज आए कि नाफिया ने ऐसे ऐसे कहा है तो फिर मैंने इसको ये तो खैर दूसरे दिन आ गई अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन दूसरे दिन ये आ गई पर वो कहते हैं कि जब एक दफा शिट कर लो तो भू तो आती है ना तो फिर मैंने इसको कहा तुम्हें क्या मिलता है तुम्हें क्या मिलता है कि अपने फरिश्ते जैसे खावन की जाके वहाँ पे फरिश्ते जैसे ओके ना फरिश्ते जैसे ओके लुक खराब था खराब ये था कि बस एक पैसों के मामले में थोड़ा सा था गलत लेकिन अभी माशाल्लाह वो पूरा पूरे ट्राई करता है कि मैं नाफिया को हर कंफर्ट दूं नाफिया जब घर आते हैं तो नाफिया को बगैर प्रिंसेस के कुछ कहता नहीं है बेटियों को सब कुछ करता है नाफिया को इतनी इज्जत देता है कि मैं कहती हूँ कि मेरे नेक लोगों को और मेरे अपनों को अल्लाह ऐसे खावन दे जैसे कि सुमैया नाफिया और मलिया को दिया हुआ है तो हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहते हैं किस हस्बैंड वाइफ के उसमें झगड़े नहीं होते हैं लेकिन
तब गलती आती है जब बीवी या मियां उठ के उस चीज को बाहर के लोगों के साथ शेयर कर लेता है। ये ऐसे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है। अब मेरे भी 100 झगड़े आए हैं इसके हस्बैंड किसे इसके बाप के साथ, पर मैंने जाके किसी को नहीं बताया। ठीक है लाइफ गुजर गई सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने जाके फरियादें नहीं की हैं, मैंने जाके ये सब कुछ नहीं किया है। और ये इस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है तो इसको अपनी माँ को फॉलो करना चाहिए ना बचाए। तो ये समझती है कि इंस्टाग्राम पे सारे लोग इसके अपने, ठीक है मैं भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब फैमिली को अपनी फैमिली समझती हूँ, पर सारे लोग एक जैसे नहीं, उसमें हमारे दुश्मन भी बहुत हैं। I wasn't thinking that. I was just angry. You were angry. I was angry and nobody was listening to me and you went on Iqbal's side and I was like, Mama, even if I'm wrong, you have to be on my side. And that's what messed me up. ये देखो ये fair नहीं है कि जब इकबाल नाफिया के साथ ज्यादती करता था तो मैं इकबाल के साथ लड़ती थी, मैं इकबाल को वॉर्न करती थी कि ऐसा मत करो, और अब नाफिया की फॉल्ट थी इकबाल की नहीं थी तो मैं नाफिया के लिए खड़ी हो जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो फेयर डील नहीं हुआ ना। Because that would have calmed me down. No, नाफिया, वो तुम्हें काम कर दे देता, लेकिन तुम्हें एक और शेयर मिल जाती कि अब तो मैं कुछ भी करूँ मेरी माँ देखो मेरे गलत में भी साथ देती है। मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ, तुम्हें पता है। एक दफा ऐसे हुआ मेरी गाड़ी फैमिली में से कोई ले गया, उसने बुक कर दी कैमरे में, मुझे मलिहा ने पूरा, मैंने उनको कहा कि प्रूफ दिखाओ, मैंने ये गाड़ी चलाई नहीं, मेरी किसी फैमिली मेंबर ने चलाई। उन्होंने कहा ड्राइवर का नाम दो, मैंने कहा मुझे क्या पता, शादी थी 100 लोग आए थे, किस ड्राइवर ने ली है मेरी गाड़ी, हम एक दूसरे की गाड़ियाँ चलाते हैं क्योंकि सब एनी व्हीकल चला सकते हैं, वो इंश्योरेंस ऐसी है। मुझे मलिहा ने तैयार किया सारा कुछ किया और मुझे कहा कि ऐसे बोलोगी तो मैं जाके सच बोल दिया 6 पॉइंट लग गए, 1000 पॉइंट जुर्माना हो गया। मलिया ने कहा क्यों नहीं बोला वो जो मैंने तुम्हें कहा था? मैंने कहा मलिया मैं झूठ नहीं बोल सकती, हम झूठ बोलते हैं अपनी मसलत के साथ, मैं ये नहीं कहती मैं झूठ नहीं बोलती, पर मेरी ट्राई ये होती है कि मैं कोई ऐसी झूठ ना बोलूं। सामने से वो तुम्हें कुरान देते हैं, कुरान के ऊपर मैं कैसे झूठ बोलूं? It wasn't about jute or such or whatever it is. You just, mom got angry because Harim was crying. Yeah. And then she's like, you know what, I'm leaving. So I was like, why are you leaving? Yeah, because I told her, go to Harim. And she take it out on Harim. She said, no, इसका बाप जाने लिए जा रहे। मैंने कहा वो इसके बाप के बच्चे नहीं, वो तेरे बच्चे हैं, माँ के बच्चे होते हैं, बाप तो कहाँ होता है, बाप तो कमाता है। No, I didn't say बाप जाने or whatever. No, you say he can do it. तो ये बात कुछ भी नहीं थी। मैं कहती हूँ इकबाल और नाफिया में जितनी मोहब्बत है ना, उतनी मोहब्बत किसी में नहीं होती। इकबाल तो खैर नाफिया के ऊपर जान देता है, जान वो तो यकीन करो, ये डाइट कर रही थी तो बार बार इसे कहता है नाफिया यू डोंट नीड टू डू दा कमन ये बिरयानी खा लो कमन। मैंने लिटरली गुस्सा किया इकबाल को, मैंने कहा तुम्हें उसकी सेहत की परवाह नहीं है, तुम उसे ये कहते मामा व्हाट्स द पॉइंट व्हाई शी स्टार्विंग हरसेल्फ। ऐसा आदमी है नाफिया, कुछ भी करे, दोस्तों के साथ जाए, घर में जाए, मेरे घर आए, हॉलीडे बुक करे, ही ऑलवेज सपोर्टिव। हालांकि मैं उसे कह रही थी कि मेरे साथ उम्रे पे जाओ, कहती नहीं 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 आप जाओ, आप नाफिया के साथ जाओ, आप नाफिया के साथ दुबई चले जाओ। तो देखो इस मैं ये नाफिया सामने बैठी है मेरी, किसी एक बात को कहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। It's just, you know, when he does something wrong now, I just remember all the past stuff and it past just... Past ko jaane do Nafia, past mein jo ho gaya hai, wo ho gaya. Ab tum aur logon ki wajah se apni zindagi ko kyun kharaab karti ho? Main tumhe ye kehti hoon, get over it. Yeah. Past mein jo usne kar diya, ab bichara repent kar raha hai, ab wo tumhe wo sari sahoolatein dete hai jo tumhe first 2 year of marriages usne nahi di thi. Ab wo try kar raha hai ki main Nafia ko, bachcho ko the best life de dun. तो यू शुड अप्रिशिएट नाउ। तो अब नाफिया ने मेरे साथ ये वादा किया है कि ये मेरे छोटे से इकबाल का बहुत ख्याल रखेगी, तो लेट्स सी, क्योंकि इकबाल इज अ पर्सन कि उसको कोई भी हमारी फैमिली में लव करे और प्यार करे, ही इज सच अ जेन्युइन पर्सन। और ये मेरे तीनों दामाद ऐसे हैं, सिर्फ इकबाल ऐसा नहीं है,
मेरा साथ भी ऐसा है और मेरा रिजवान भी ऐसा है कि ये तीनों अल्लाह ने मुझे एक तोहफा दिए है, क्योंकि मैंने जिंदगी हार्ड गुजारी थी तो अल्लाह ताला ने मेरी बच्चियों को और मेरी बहुओं को इतने अच्छे हस्बैंड दिए कि मैं कहती हूँ इनमें कोई खराबी नहीं है। तो जब भी ये नाफे आए और ओल फोल बके अपने हस्बैंड के बारे में तो सारा झूठ है, क्योंकि इकबाल इज नॉट ओल्ड झूठ। नो ठीक है, उसने पास्ट में किया था, पास्ट में बस मनी का थोड़ा सा किया था कि मनी सही तरीके से नहीं स्पेंड करता था, यानी कि अब मैं नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा सा सीक्रेट है ये, तो मनी में बैलेंस नहीं करता था कि फैमिली में एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस नहीं करता था। वो किया था पर वो चला गया, वो पास्ट खत्म हो गया बस। अब इंशाल्लाह जाहिर बात है उसकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, अब इंशाल्लाह अल्लाह और बच्चे भी देगा, तो तुम हो उसकी बीवी, उसे पता है, बस उसने जो कर दिया कर दिया और अब वो सारा तेरा है मैडम। यू गॉट इट? Yeah. Now you just कोई बकवास कर लो, कोई बकवास कर लो। Yeah, कोई बकवास करो ना। Are you excited for the thing then? For Dubai? Yeah, honestly, मैं Dubai कोई 15 दफा गई हूँ। So Dubai में कोई I don't know कितनी दफा गई हूँ। मैं इस दफा Dubai सिर्फ नाफिया की वजह से जा रही हूँ। और वाई नॉट, ये मेरा मदर डे का गिफ्ट है तो जाना तो चाहिए ना। और स्टनर्स गए थे, आपको पता होगा कि हमारा हेयर ड्रेसर जो है वो स्टनर्स है बर्मिंगम में, और हम 2 घंटे ट्रेवल 4 घंटे ट्रेवल आने जाने के करके इन लड़कियों के पीछे सिर्फ इसलिए आते हैं कि नंबर वन इखलाक में इसका कोई सानी नहीं है, crazy. नंबर टू हॉस्पिटैलिटी में उनका कोई सानी नहीं है, नंबर थ्री दे द बेस्ट हेयर ड्रेसर, ऐसे जादू है इनके हाथ में कि आप लोग भी जाना। और स्टनर्स बर्मिंगम में वहाँ जरूर जाना और इनकी खिदमात करना। मैं अगर आप लोगों को अपने बाल दिखाऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि ये इतने खूबसूरत बाल मेरे उन्होंने किए, हालांकि मैंने उसके ऊपर घर में डाई कर दिया था, मैं बहुत प्यारी लग रही थी, मैं बिल्कुल 20 साल की लग रही थी। Someday, she looked like she was 25. Yeah, अगर स्कार्फ उतारो ना आप लोग मेरे बाल देख के तो आप हैरान हो जाओगे कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। चलो ये स्टनर्स की बात हो गई, और दुबई हम जा रहे हैं 3 दिनों बाद इंशाल्लाह। What, Turkey first and then Dubai? Yeah, Turkey first and Dubai. मैं टर्की भी 5-6 दफा गई हूँ, मैं दुबई भी 15-16 दफा। Basically, this isn't for mom. ये असल में इन दो लड़कियों की वजह से मैं जा रही हूँ, ये निशा और साइमिया, ये इनका ग्रुप है, इसकी वजह से लेडीज ओनली ग्रुप है इसकी वजह से, और मैंने सुना है कि वो एंटरटेन बहुत करती हैं तो उसकी वजह से जा रही हूँ, और सिर्फ नाफिया की वजह से जा रही हूँ, क्योंकि नाफिया मेरे बगैर लाइब्रेरी नहीं जाती तो और कहाँ जाएगी। I don't go anywhere. Caution, narrow lanes on the M5. So, देखते हैं इंशाल्लाह। इस दफा मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा कुछ नहीं पोस्ट करूंगी, मैं ज्यादा व्लॉग पोस्ट करूंगी दुबई की, क्योंकि तुम लोग दुबई तुम लोग देख लेते हो इंस्टाग्राम पे, फिर तुम लोग बॉदर नहीं करते हो कि यूट्यूब पे देखो, तो मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी पोस्ट करूंगी पर डे, और बाकी सारा व्लॉग में तुम लोग देखना। मेरी व्लॉग देखो। And if you're in Dubai, yeah, and you'd like to meet us, please come and meet us. हमें जरूर मिलने आना। हम कौन से होटल में रह रहे हैं नाफिया? ओए ये तो बताना ही नहीं है। What's wrong with you? ये तो बताना नहीं है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज लोग बताते हैं नाफिया। कौन लोग बताते हैं? अच्छा हम जाएंगे दुबई मॉल, हम फर्स्ट डे दुबई मॉल जाएंगे, हम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, आप लोग हमें दुबई मॉल में मिलने आना। You're gonna be in Global Village? हाँ। दुबई मॉल? वो सारा बता दो ना। और मेरे एक 2-3 फॉलोवर हैं जो दुबई में रहते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो हर वक्त मुझे कहते हैं हमें दुबई में मिलो, तो अगर आपको चांस लगे तो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे नजर रखना। मैं शायद यूट्यूब लाइव थोड़ा सा दे दूं, तो मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ आप लोग मुझे मिलने आ सकते हो, तो प्लीज जरूर आना, मुझे भी खुशी होगी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ओके तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो स्टनर लड़कियों ने हमारे लिए खाना भी मंगाया, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे और उनकी माल में बहुत बरकत दे और उनका
ये सलोन सारी दुनिया में मशहूर करें, सिर्फ यूके में नहीं। तो उन्होंने हमें खाना भी खिलाया, लेकिन क्योंकि मैं, मेरा गास्ट्रिक बाईपास हुआ, मैं थोड़ा खाती हूँ। तो अब दो घंटे बाद फिर मुझे भूख लग रही है। Caleb's over my house tonight because Malia's having a honeymoony time. Yeah. Valentine's Day. She's obsessed with her husband. वो बहाने मांगती है, चाहे वैलेंटाइन हो चाहे ईद हो, बस अल्लाह ताला उनमें भी बहुत मोहब्बत करे। मैं तो नाफिया बुक को कह रही थी कि मत पोस्ट किया करो इकबाल के साथ वीडियो। जब भी इकबाल के साथ वीडियो पोस्ट कर देते हो, कोई ना कोई नजर लगा देता है। मेरी सुमैया अच्छी है, वो ज्यादा नहीं पोस्ट करती। द मिनट इंस्टाग्राम पे कुछ डाल देते हैं, अपनी ही नजर लग जाती है। दूसरों की तो छोड़ो। और हर हर किसी के इस दुनिया में बगैर किसी वजह के दुश्मन है। It's because everyone thinks that somebody else got a better life than them and they don't realize everyone's problem. मैं कभी-कभी सोचती हूँ ना कि बगैर किसी वजह के तुम्हारे दुश्मन है। या तो हो ना, पहले हमारे पठानों में होते थे कि ये मेरा तरबुर है तो दुश्मन है। नहीं, तरबुर मरबुर नहीं है, बस ऐसे ही दुश्मन है। तरबूर यही आप लोगों को भी पैगाम देना है कि अपने जो पर्सनल रिलेशन है, जो मीठे मीठे रिश्ते हैं, उनको पर्सनली रखा करें। They do, Oma. Who's gonna be on this? Obviously, it's not gonna be. नहीं नहीं, पर्सनल का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि मीडिया पे, मीडिया पे सिर्फ नहीं कह रही हूँ। यही प्रॉब्लम उन लोगों को भी आती है जो फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर करते हैं, जो जाके माँ बाप के साथ शेयर करते हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस का मफहूम है, जिस इंसान ने अपना राज खुद नहीं रखा, खुद मुंह से निकाल दिया, तो दूसरा तुम्हारा राज क्या रखेगा? आप खुद सोच लेना। सॉरी। और मेरे अब्बू ये बहुत कहते थे, मेरे अब्बू कहते थे अगर तुम किसी को बात बताते हो तो इसका मतलब है तुम इतने कमजोर हो कि तुमने अपनी अपनी राज की बात किसी को बता दी, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि अदर पर्सन विल कीप योर राज? नेवर एवर गोना हैपन। वो ज्यादा खुश हो के बताएगा। और आजकल तो वो नफसा नफसी का जमाना है, आजकल तो दूसरे की गम में खुशी मिलती है, ऑनेस्टली। तो अगर एक बंदा खफा है ना, तो दूसरा बंदा खुशी उसमें ढूंढता है। आई डोंट नो व्हाई, पर वो क्यामत की निशानियां है ना। यस सर, क्यामत की निशानियां है कि ये सब तो क्यामत में होने वाला है, तो बस हो रहा है। तो ये दुबई का कह दिया, बस हम अब जा रहे हैं घर। नाफिया के बाल, नाफिया अच्छी तरीके से जरा बाल दिखाओ। What have you been doing anyway? What kind of, have you been vlogging? No, I'm so lazy. Just post like a small recipe, that's all. And I only post two vlog. This week I only post one vlog and a small recipe. So I'm so lazy, I didn't make any vlog. I don't know, I keep having migraine. चार पांच रोजे रख लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे छूट गए थे लास्ट ईयर, तो वो रखे। रजब का महीना है, वैसे भी मैं रजब में काफी रोजे रखती हूँ, अल्लाह ताला मुझे स्ट्रेंथ दे और हेल्थ दे। अभी दूसरा दिन ने रोजा नहीं रखा, तो रोजे भी रखे तो उसकी वजह से भी शायद, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत लो है तो उसकी वजह से भी कमजोरी हो जाती है। हालांकि छोटे से दिन है, 5:30 बजे इफ्तार हो जाती है। So I feel really weak और migraine बहुत ज्यादा था, और मेरी टेबलेट भी बहुत ज्यादा है, तो वो मैं जब नहीं खाती हूँ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। पर रजब का महीना है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरे रजब में वक्फे वक्फे से रोजे रखूँ। तो अल्लाह ताला हिम्मत दे। अभी तो खैर ये दुबई के 7-8 दिन गुजर जाएंगे, ये तो नहीं रख सकती। इंशाल्लाह हमारा चैरिटी का इवेंट हो रहा है ब्रेडफुट में, आप प्लीज आ जाओ। चैरिटी डिनर है बस, सिर्फ टिकट हम बेच रहे हैं, बस वही टिकट ही हमारा मेन फंड रेजिंग होगा। तो प्लीज आप the शो, ब्राइडल शो, इज दैट सॉर्टेड देन? मरियम बिचारी कर रही है, मरियम माय
एल्डर सिस्टर एंड शाहीन माय यंगेस्ट सिस्टर. मेरे ख्याल में ऐसा कोई व्लॉग नहीं जिनमें मैं. डिड यू व्लॉग विद शाहीन? लिटिल बिट. आई पोस्टेड ऑलरेडी. How did they find it? They were happy with everything. Is it? But they like camera shy, you know. Both of them, Hannah, Mariam, to bilkul nahi aati camera mein. Hannah or Shaheen, thoda sa. How do they find Cardiff? Oh, they love it. They just love my company. Is now. It? They just, how long did they stay? They feel bad that we didn't meet now here because they were literally here to meet you and me and Maliha. Maliha spent one day with them. Mm. I wanted to invite them over my house, but Ji? I was gonna invite them over my house. I told them, I say, now if you say when they come, they're gonna spend one day with me. But I was going through my own shit. Yeah, but now if you have done a car, you have to. But dono, maine bahut enjoy kiya. Mujhe aise laga ki saalo baad meri family aayi hai. Kasam se, mujhe aise bas lag raha tha ki mere. अच्छा आप लोगों ने ज्यादा नहीं, एक बंदे ने एक क्वेश्चन किया था, लेकिन मैं हमेशा बैड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन. नो बैड क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन कहते हो. मुझे नाम याद नहीं, पर उसने कहा था कि मम्मा आप इतने अच्छे हो, इतने लविंग हो और इतने प्यारे हो, तो आपको आपके सिबलिंग आपके साथ ताल्लुक क्यों नहीं रखते. तो उसको मैं जवाब दे दूँ, उसको मैंने थोड़ा छोटा सा जवाब दे भी दिया है, लेकिन मैं यहाँ जवाब दे दूँ. तो मैं उसको जवाब ये दे देती हूँ कि बच्चे मेरे साथ किसी ने ताल्लुक नहीं तोड़ा, मैंने छोड़ दिया है सबको. वो कहते हैं ना, तेरी महफिल में हमने आना छोड़ दिया, वो गाना है ना कुछ ऐसा. क्यों? तो बस वो मैंने छोड़ दिया. नंबर वन, जब मेरे अब्बू कुवैत में कलाप्स हो गए, उनको एरोप्लेन पे हार्ट अटैक हो गया और वो अमेरिका जा रहे थे और कुवैत में इमरजेंसी लैंडिंग करके मेरे अब्बू कुवैत में रह गए, तो कोई मेरी फैमिली में से उनके पास नहीं गया और मैं अकेली, हालांकि सिर्फ चार दिन हुए थे मैं पाकिस्तान से अब्बू से मिल के आई थी, अब्बू के लिए सारा टिकट विकेट खरीदा. ये बाबा अकेले चला गया, पहले तो ये था, और फिर वो कुवैत में कलाप हो गया और अमेरिका पहुंचा नहीं, और फिर मैंने फाइंड आउट किया कि वो तो कलाप्स हो गया, वो वहाँ पे इंटेंसिव केयर में है, और मेरा बाप वहाँ पे लावारसों की तरह पड़ा था, और फिर मैं एक एक को मिन्नत मैंने की कि जाओ जाओ जाओ, कोई किया नहीं, तो मैं आखिर में अकेली औरत मैं गई, मैंने अपने बाप को जिस तरीके से उठा के अमेरिका ले गई. मैंने ये मेरा शोल्डर डैमेज हो गया था, because my granddad was like 6'4" inch tall, और वो काफी हैवी इंसान था, और जब मैं, क्योंकि मेरा बाप फुल ऑफ डिग्निटी वाला आदमी था और वो पैरालाइज हो गया था, उसको कैथेटर लगा हुआ था, और उसको मैं उस हालत में अमेरिका लेके जा रही थी, और जो मैंने किया है और जो मैं अपने बाप को व्हीलचेयर पे उठा के घसीट के और लेके गई हूँ, वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है. खैर, इतना सब कुछ करके मैंने अपने बाप के एक दिन की मेहनत का बदला नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद मेरा रिश्तों पे से फिर मुझे बस ये हो गया कि ये मैं ही हूँ कि लोगों के पीछे भागती रहती हूँ. मेरे पीछे तो कोई भी नहीं भागता, तो बस मैंने भागना छोड़ दिया. जब मैंने भागना छोड़ दिया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया. बस ये बात है. तो ये कोई बात नहीं है कि कोई मेरे साथ ताल्लुक नहीं रखता, असल में मैं स्टबन खाऊ हूँ, मैं किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखती. मैंने सिबलिंग का ब्लॉग अपलोड किया था, मेरे भाई ने मुझे कॉल किया और उसने 5 घंटे मेरे साथ गपशप लगाई, और उसने मुझे इतने दिल से इनवाइट किया है कि तुम आओ, बल्कि हर दूसरी रात मुझे कॉल करता है, मुझे बच्चों जैसा प्यार करता है, और मुझे बच्चों की तरह वो लगा रहता है, और मुझे बच्चे बच्चे के मुझे कहता है कि तुम आना, मैं तुम्हें यहाँ ये करूँगा, तुम्हें यहाँ करूँगा, तुम बच्चों को लेके आना, तुम फ्रेंड्स को लेके आना, और ऐसे कर रहा है. मुझे प्यार भी बहुत मिलता है अपनी फैमिली से, ये नहीं कि मुझे नहीं मिलता, लेकिन जब मैं जाती नहीं हूँ, मैं नहीं करती ताल्लुक, तो मुझे कहाँ से प्यार मिलेगा. लेकिन एक बात पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खफा है कि एक ऐसे इंसान का साथ मेरी फैमिली दे रहे हैं कि उस इंसान, वो इंसान हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, स्पेशली इनके बाप को बहुत तकलीफ दे रहा है हमारी.
कहने वाली बात भी नहीं है कि वो इतना हमें तकलीफ दे रहे हैं, और मेरे जो अपने खून के रिश्ते हैं वो उसी इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं और उसी इंसान की मदद कर रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि ये गलत है फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस इस पे, अब जाहिर बात है मेरा घर है, बच्चे हैं, ये सब कुछ है, पर कोई मेरे बच्चों के साथ ज्यादती करेगा तो उसको तो मैं माफ नहीं कर सकती ना। सारी दुनिया को माफ कर लूंगी मेरे साथ ज्यादती करे, पर मेरे बच्चों के साथ कोई ज्यादती करेगा उनको मैं माफ नहीं कर सकती। बस माफ इतना करूंगी कि अल्लाह पे छोड़ दूंगी, लेकिन फिर उसके साथ मैं ताल्लुक कैसे रखूं? आप खुद बताओ कि आपको पता चल जाए कि आपकी फैमिली उस इंसान का साथ दे रही है जो कि आप लोगों को तकलीफ देता है, आप लोगों पे मुकदमे करता है, आप लोगों को घसीटता है, और बेवजह, बेजरूरत, बेइंसाफी से। तो मेरे ख्याल में ऐसा तो किसी का भी इतना बड़ा दिल नहीं है। तो उसका ये जवाब था, ये मैंने जवाब दे दिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इतने मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल ज्यादा लाइफ शेयर करूँ, पर फिर आप लोग मुझे कहते हो कि मामा हम आपकी फैमिली है तो हम कुछ पूछे तो आपको बताना चाहिए, तो बता दिया, थोड़ा सा गोलमोल बता दिया, पर बता दिया। ठीक है, चले अब हम जाते हैं कार्डिफ। ये व्लॉग यहाँ पे खत्म कर देते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग बनाएंगे ढेर सारे दुबई में, दुबई से पहले जाने के, शॉपिंग के, पैकिंग के। तो साथ रहिए, स्टे ट्यून, और छोटी छोटी रेसिपियों को फॉलो करें, देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरी छोटी रेसिपी अच्छी लगती है कि नहीं। तो सी यू अगेन इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।